वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं, उसके फायदे के बारे में। और इतना अच्छी होम रेमेडीज इसके साथ हो सकते हैं ना फ्रेंड्स, कि आपको बहुत लोगों को पता होगा, जिनके लिए पता नहीं है वो लोगों के लिए आज ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए, इसको फिटकरी कहते हैं, एलम इंग्लिश में कहते हैं और पटिका तेलुगु में ऐसे बोलते हैं। ये देखिए, ये पहले जमाने में ऐसे पत्थर पत्थर जैसा ऐसे मिलता था, आजकल नहीं, काफी दिनों से ही बहुत लेटेस्ट ऐसे पैकेजिंग में आता है। बहुत अच्छा सोप सा दिख रहा है ना। देखिए, ये बहुत ही स्क्वायर टाइप अच्छा है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं तो यूजुअली प्रेफर करती हूँ फ्रेंड्स ऐसे वाला जो पत्थर पत्थर जैसे होते हैं। इनके यूजेस क्या है, कौन कौन यूज कर सकता है, कब यूज कर सकते हैं, हम अभी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें होता है मैग्नीशियम सल्फेट जो अपने स्किन के सेल्स को रीजेनरेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और जो डल हो गए सेल्स उनको रिजुविनेट भी करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये परफेक्ट स्किन टोनिंग, स्किन टाइटनिंग एंड लाइटनिंग एजेंट है। तो देखिए, आजकल तो मार्केट में कितने सारे सीरम्स मिलते हैं और क्रीम्स मिलते हैं। मानती हूँ बहुत लोग वो बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से ना फ्रेंड्स, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब अफोर्ड कर भी सकते हैं तो कई लोग दिल भी वेरी पर्टिकुलर कि हमें होम रेमेडीज अच्छे लगते हैं, नेचुरल थिंग्स के ऊपर ही वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है फ्रेंड्स। तो देखिए, पुराने जमाने में जब क्रीम्स वगैरह नहीं थे तो लेडीज हाउ दे यूज टू मेंटेन, ऐसे ही चीजों से वो लोग अपने आप को मेंटेन करते थे, ठीक है। अभी आजकल थोड़ा हम लोग पुराने चीजों को भूल गए, तो चलिए रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर से ऐसे चीजों को यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये बात करते हैं इसके यूजेस की, जो लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप 35 के बाद 40 इयर्स में अगर आप देख रहे हैं कि आपके स्किन पे रिंकल्स दिखने लगे, तो इमीडिएटली स्विच टू दिस, ओके। इसको बहुत, ये बहुत ही यूजफुल आइटम है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना आपके रिंकल्स को दूर करता है, स्किन को इतना स्मूद आउट करता है, और जो आपके सनबर्न हो गया, कई बार टैनिंग हो गए, स्पॉट्स एंड पिंपल, पोस्ट मार्क पिंपल मार्क्स रहते हैं, वो सारे को भी ये अच्छे से लाइटन करता है, ठीक है। रिंकल्स को लिए तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। चलिए, इसको यूज कैसे करना है देख लेते हैं। आपने स्नान करने के बाद या फिर मुंह धोने के बाद इसको सुबह शाम कीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट। और आपने मुंह धोने के बाद फेस को पोंछ मत लीजिए, ठीक है, फेस को ऐसे ही रहने दीजिए, और उसी गीले फेस पे इसको भी एक बार पानी में डुबा दीजिए, या फिर पानी से गीला करके ना आप सर्कुलर मोशन में अच्छे से फेस पे पूरा ऐसे एक 2-3 मिनट्स आप रगड़िए। अगर मीनवाइल आपका फेस सूखा हो गया, जैसे पानी खत्म हो गया, तो एक बार फिर से इसको पानी में डुबाइए या फिर नल के नीचे गीला करके फिर से आप सर्कुलर मोशन में अच्छे से इसको रब कीजिए। अगर आपके आपके कोई स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन मार्क्स है, तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, 2 मिनट्स मसाज करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद 5 मिनट्स तक उसको लेट इट बी ऑन योर फेस, ओके। एक 5 मिनट्स के बाद आप पानी से धो लीजिए। यू कैन फॉलो योर रेगुलर रूटीन, स्किन केयर रिजिम फॉलो कर सकते हैं। इसको आप सुबह और शाम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, होते हैं। दूसरी बात है ना फ्रेंड्स, कि कई बार लेडीज को इंटीमेट एरियाज में कई बार रैशेस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, कई बार बम्स होते हैं, तो फिकर करने की जरूरत नहीं है। यही जो फिटकरी को ना फ्रेंड्स, आप पाउडर बना के थोड़ा सा पानी में घोल के ना वो एक 2-3 टाइम्स उसे वॉश कर लीजिए, तो यू विल गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक होने की वजह से ऐसे कई प्रॉब्लम्स को ना आप दूर कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस वॉटर, फिटकरी पानी को यूज करके रेगुलरली, ठीक है, तो आप निजात पा सकते हैं, हो गया। और दूसरी बात है ना, अगर आप रिंकल से परेशान है, थोड़ा सा एज्ड पीपल है, तो उनको क्रीम्स वगैरह यूज नहीं करना है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ना इस फिटकरी को थोड़ा सा पाउडर कर लीजिए, वो फूटने वाला होता है ना, उसमें पाउडर करके एक 1/2 स्पून फिटकरी पाउडर में आप थोड़ा सा रोज वाटर मिलाइए, ओके। रोज वाटर मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पैक की तरह अप्लाई कर लीजिए। लीव इट ऑन फॉर 5-10 मिनट्स,
टेन मिनट्स तक छोड़ के आप उसके बाद वॉश कर लीजिए, देखिएगा कि आपके जो क्रॉस फीट है यहाँ पे और रिंकल्स यहाँ पे जो भी पड़ते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अच्छे से पैक लगा के छोड़ दीजिए, तो आपको थोड़े ही दिनों में फर्क नजर आने लग जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए दो दो चीज़ें। और तीसरा है ना फ्रेंड्स, कई बार अभी समर्स आने वाला है, कई लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा स्वेट की स्मेल आने लगती है, ठीक है, विच इज़ अ बिग नो नो। ओके, सो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं कि कई लोगों को डिओडरेंट्स और परफ्यूम्स यूज करना पसंद नहीं है और वो केमिकल्स होने की वजह से कई बार अंडर आर्म्स का डार्क हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होती है ना फ्रेंड्स। तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं कि आप ऐसे फिटकरी के एक टुकड़े को ना आप बाथरूम में रख लीजिए, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर शावर आपने क्या करना है, इसको लेके अंडर आर्म्स में रब कीजिए, रब करके ऐसे छोड़ दीजिए, लेट इट ड्राई, ठीक है, जब तक आप अपना तैयार होते हैं उसको रहने दीजिए। उसके बाद आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी से उसको क्लीन कर लीजिए, दैट्स इट, यू आर डन। ये ना क्या बोलते हैं, पसीने के बदबू को भी बहुत कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, तो आप फ्रेश फील करेंगे। तो दिस इज वन मोर यूज ऑफ फिटकरी, ठीक है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे देखिए घमोरियाँ आते हैं बच्चों को, स्वेट की बहुत गंदी स्मेल भी आने लगती है, कई बार कपड़ों में भी रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बच्चों को पानी स्नान कराने के टाइम पानी में थोड़ा सा ये फिटकरी पाउडर मिला दीजिए और उससे आप पानी नहला दीजिए, तो ऐसे चीज़ों से भी आप बच्चों को दूर रख सकते हैं और वो बहुत फ्रेश भी फील करते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके बच्चों को कैसे यूज करना, लेडीज को कैसे यूज करना। अब आ जाते हैं हम एक और एक बेनिफिट के बारे में फ्रेंड्स। आजकल हमारे घर में, सभी के घरों में देखिए वाटर फिल्टर्स तो होते ही हैं, तो कई बार होता है कि बैटरी एक्सपायर हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते और इमीडिएटली वाटर फिल्टर होना स्टॉप हो जाता है। ऐसे में आप अगर ऑर्डर भी प्लेस करेंगे, वो आने में एक दो दिन का टाइम होता है ना, तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, यूजुअली पानी को गर्म करके ठंडा करके, नहीं तो वैसे ही घड़े का पानी पी लेते हैं ना, ऐसे में भी ये फिटकरी बहुत काम आता है फ्रेंड्स। आपने कुछ नहीं करना है, पुराने जमाने लोगों को तो यही फिल्टर था। ओके, आजकल फिल्टर्स आ गए तो वो लोग तो ऐसे ही करते थे, बीच में हम लोग बिल्कुल भूल से गए, तो हम भी वही काम कर सकते हैं। अगर आपका फिल्टर्स खराब हो गए, अगर आपका टाइम नहीं है, एक आध दिन के बाद आपका डिलीवरी है, तो नॉट टू वरी, घड़े में एक दो बार ऐसे आप इसको घुमा दीजिए, तो जितनी भी गंदगी है ना फ्रेंड्स, ये फिटकरी का काम और इसकी खासियत यही है कि ये पानी को बहुत क्लीन करता है, गंदगी को निकाल देता है, ठीक है। आप थोड़ा ऐसे एक वन मिनट ऐसे इसको पानी में घुमा देंगे ना फ्रेंड्स, तो आप एक हाफ एन आवर के बाद देखेंगे कि इस पानी में जितना भी डर्ट है पूरा नीचे सेटल हो जाएगा और वो पानी आपको पीने के लिए रेडी हो जाएगा, बिल्कुल हाइजीनिक है, तो नॉट टू वरी। ऐसी चीजें हैं ना फ्रेंड्स, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इफेक्ट्स होते हैं, रिजल्ट थोड़ा थोड़ा देर में मिलते होंगे, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट तो होता ही है, ठीक है। सो ऐसी चीजों को भी हम अपने जिंदगी में शामिल करेंगे तो काफी इजी हो जाता है जिंदगी, वैसे यू नीड नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, कई बार बच्चों को भी दूसरा यूज है, बच्चों को भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल्स तो नहीं कह सकती मैं, कई बार गला मतलब बाहर के चीजें खाने से गले में दर्द होता है, वैसे होता है, उस टाइम में भी आप लोग क्या कर सकते, खांसी में भी उन लोगों को खांस खांस के ये हो जाता है, तो ऐसे टाइम में ना फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको करके थोड़े से गुनगुने पानी में फिटकरी ऐसे घुमा के ना गॉगल करने के लिए बोले, निगलना नहीं है, जस्ट ऐसे गॉगलिंग करेंगे आप, तो काफी हद तक आपका पेन रिलीफ होता है। और विंटर्स में कई बार ठंड की वजह से ये पूरे हाथ पैर लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, वैसे में भी ये फिटकरी का पानी बहुत अच्छा काम आ सकता है फ्रेंड्स। आपने थोड़े से गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी ऐसे घुमा दीजिए या फिर थोड़ा सा पाउडर उसमें मिला के उसमें डुबा के रखिए, हाथ हो गए पैर हो गए, तो सूजन भी खत्म होगी और पेन भी काफी हद तक खत्म होता है फिटकरी से, ठीक है। क्रैक्ड हील्स, कई लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है फ्रेंड्स, बहुत ही हॉरिबल क्रैक्स होते हैं फीट में, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पैर फट गए बुरी तरीके से तब भी ये फिटकरी बहुत ही अच्छा काम आता है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा ऐसे
फटे हुए पैर हैं तो आप एड़ियां हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी पाउडर को ना, थोड़ा सा एक क्वार्टर स्पून और क्वार्टर स्पून ही वैसलीन लेके, वैसलीन जो 5 रुपए की मिलती है ना वही, इट वर्क्स वंडर्स ओके। तो उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसको पाउडर बना के आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके आप ना वो फटे एड़ियों में जहां जहां आपको क्रैक्स है वहां पे अच्छे से मसाज कीजिए, 5 to 10 minutes आप अच्छे से मसाज कीजिए, तो जहां तक हो सके प्रोडक्ट को अंदर अंदर भेजने की कोशिश कीजिए। अच्छे से मसाज करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जो बचता है अगर आपके पास और भी प्रोडक्ट बचता है तो उसको ऐसे अच्छे से वो क्रैक्स के अंदर उसको डाल के ना अच्छे से सॉक्स पहन के सो जाइए। ऐसे अगर आप 2-3 दिन लगातार करेंगे ये चीज करने, क्रैक हील को आप ट्रीट करने से पहले आप अच्छे से गुनगुने पानी में उसको पैरों को डुबा के थोड़ी देर गुनगुने पानी में, उसके बाद अच्छे से उसको धो के ना, धूल मिट्टी ना रहे, क्लीन एडियों पे आप अगर ये वैसलीन और इसका पाउडर का मिक्सचर लगाएंगे तो काफी हद तक आपका पेन रिलीफ भी करेगा और आपके ये क्रैक्स भी बहुत ही जल्दी बंद हो जाएंगे और आपके एड़ियां स्मूथ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी चीज है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, पैसे कुछ नहीं लगते इसमें, लेकिन इट वर्क्स वंडर्स ओके। तो चलिए हम लोग लेटेस्ट आजकल के मॉडर्न जमाने में एवरीथिंग लाइक यू गेट क्रीम्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलते हैं, लेकिन यू शुड नॉट इग्नोर सच थिंग्स क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। तो एक बार तो एक थोड़ा सा 100 ग्राम ऐसे फिटकरी आप मंगवा के रख लीजिए, पता नहीं कब क्या काम पड़ जाए। और कई बार हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ना फ्रेंड्स, इसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने का भी एक क्वालिटी है इसमें, ठीक है, ये ब्लीडिंग को भी स्टॉप करता है। कई बार बच्चे गिर जाते हैं, सडनली आपके पास एंटीसेप्टिक वगैरह नहीं रहता, तो आप फिटकरी को ना ऐसे ऐसे रब कर दीजिए, अगर वो टच नहीं करने देते बच्चे तो थोड़ा सा इसको पाउडर डाल के उसमें डाल दीजिए, घाव पर डाल दीजिए, तो इमीडिएटली आपका ब्लीडिंग भी कम होगा, इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि ये डिसइन्फेक्टेंट है, ये एंटीसेप्टिक है, तो बिल्कुल भी आपके बच्चों के लिए बहुत ही हैंडी है, यूजफुल है, बिल्कुल भी पेन भी रिलीफ करेगा और घाव को भी जल्दी से भर देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलने तक दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।